بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا جو ہم نے لاسٹ ٹائم پروجیکٹ بنایا تھا، جس میں ہم نے پوری فاؤنٹین کراسنگ کی ویڈیو بنائی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس کا آپ نے تھم نیل کیسے بنانا ہے، تو سب سے پہلے ہم اس جو پروجیکٹ ہے اس کو اوپن کر لیتے ہیں۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سیو۔ तो हमारा ये प्रोजेक्ट जो है ना वो हो रहा है, ओपन हो रहा है। उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि उसमें जो है ना वो लोड के लिए टाइम लगता है। अच्छा जी, ये जो है ना वो ये मैंने ना पहले ही बना लिया था, तो अभी मैं आप लोगों को दिखा दूँ। अच्छा, मैंने क्या किया, जो हमारे एनिमल्स थे वो इसी तरह खड़े थे, ठीक है? उनको थोड़ा एडजस्ट कर लिया है, ठीक है? एनिमल्स को मैंने ना एडजस्ट कर लिया। इस तरीके से मैंने एडजस्ट किया ताकि जब हम यहाँ पर अपना ट्रीगो लगाएं या कैमरा लगाएं, क्योंकि हमने सिर्फ उसमें इमेज रेंडर करनी है, ठीक है? तो इसके लिए कैमरा ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है। कैमरा तो इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी वीडियो बन सके। हमें इसमें सिर्फ एक इमेज चाहिए, एक फ्रेम चाहिए, करंट फ्रेम जो है, तो हम कैमरा नहीं लगाएंगे। हमने आप हमारे जो एनिमल्स होंगे उनको अपने इस तरीके से उसको कर लेना है, अपने फ्रेम में ले आना है ताकि वो सही से सारे नज़र आए। और पीछे जो हमारा ये पड़ा हुआ है फाउंटेन, उसको भी रख देना, वो लगाना चाहिए। तो अब ये देखें, ये थोड़े से टेढ़े जा रहे हैं, ऐसे भी मैं लगा सकता था, ठीक है? ऐसे वो नज़र ही नहीं आने, ठीक है? तो थंबनेल का मकसद क्या होता है? थंबनेल का मकसद ये होता है कि आपके जो लोग हैं उस पर दे आपकी वीडियो पर जो जिन तक पहुंच रही है उस आपके थंबनेल पर ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक करें, ठीक है? अगर आप यहाँ पर रखेंगे तो सिर्फ एक एनिमल हम उसको नज़र आ रहा है, पीछे वो कलर थोड़े से नज़र आ रहे हैं लेकिन वो सारे एनिमल्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह जो बच्चों का इंटरेस्ट है या जो भी हमारी वीडियोस देखते हैं उनका इंटरेस्ट जो है ना वो ज़्यादा डेवलप नहीं ज़्यादा नहीं होगा कि इस पर क्लिक किया जाए। इस जो एनिमल जो हमारा थंबनेल अगर हम सिर्फ उसी को रेंडर कर लें, ठीक है, तो इसमें हमारा जो क्लिक थ्रू रेट होगा ना वो आई थिंक 15 से 20 तक होगा। अगर हम इस तरह कर लें ऐसे और कलर्स वगैरह हमारे ठीक हों जो के हैं, ठीक है, ठीक है, और ऐसे आपने जो है ना एडजस्ट कर लेना है सारे, ये देखें सारे एनिमल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है? तो इस तरह जो है ना वो थंबनेल का क्लिक थ्रू रेट जो है ना वो ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि अगर जितना अच्छा होगा ना आपका थंबनेल, जितने ज़्यादा कलरफुल आपने उसमें ये चीज़ें डाली होंगी। अब एक और चीज़ आप देखिएगा, यूट्यूब पर जो है ना कलर्स वाली वीडियोस बहुत ज़्यादा चलती हैं। ये भी एक जो है ना वो कलर वाली वीडियो, ये पेंट एनिमल्स, ठीक है? तो इसमें जो है ना आप सारे एनिमल्स शो करवाने, उनके कलर्स जो हैं वो वाजे नज़र आने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने एक एनिमल शो करवा दिया और बाकियों के कलर भी नज़र आ रहे और वो एनिमल्स भी खुद भी नज़र नहीं आ रहे। तो इस तरीके से आपने उसको जो है ना वो अपने सेट करना है अपने एनिमल्स को, कुछ सारे नज़र आए। इसमें आप देखें मैंने उनको ना एक लाइन में खड़ा किया है, ये देख, लेकिन थोड़ा थोड़ा साइड पर किए हुए हैं ताकि मैं जब इधर टेढ़ा करके एंगल से देखूं, साइड एंगल से मैं देखूं तो ये इन सारे एनिमल्स वाजे नज़र आए। ये देखें अब टाइगर जो है वो टाइगर भी सही नज़र आ रहा है पीछे हमारा। ये देखें एक और चीज़ देखें, जब यहाँ पर हमारा टाइगर है, टाइगर जहाँ पर ख़त्म हो रहा है तो वहाँ से हमारा जो है ना वो ये शुरू हो रहा है। मैं ये भी कर सकता था इसको ऐसे ही, ठीक है, लेकिन वो सही नज़र नहीं आ जो है ना वो थंबनेल बनना नहीं था। ये देखो मैंने यहाँ पर रख लिया। इसी तरह जो है ना वो ये गोरिल्ला है, गोरिल्ला का मुंह जो इस तरफ है वो भी सही नज़र आ रहा है। इसी तरह ये चीज़ है। आखिर में जो है ना एक दो एनिमल हैं उनकी सैर होती है, लेकिन जो शुरू में आपने एनिमल रखने ना 4-5 वो आपके वादे नज़र आने चाहिए उन, और आपने एंगल उनको उनका सेट कर लेना है। जो भी आप थंबनेल वगैरह क्रिएट कर रहे हैं
ठीक है, जो नहीं क्या इसी तरह थंबनेल बनाना, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, आपको अगर कोई और आइडिया आ गया है, ठीक है, तो आपने अपने हिसाब से भी थंबनेल जो है डिज़ाइन कर लेना। ऐसे आपने अपना जो सेट कर लेना फ्रेम को, और उसके बाद आपने जो है यहाँ पर जाना है इसको अपने रेंडर के टैब में, और यहाँ यहाँ पर आपने इमेज सिलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पर PNG कर लें, JPG कर लें, ठीक है, मैं PNG करता हूँ प्रेफर, आपने करंट फ्रेम पर यहाँ पर आपका होना चाहिए, ठीक है। सीक्वेंस करेंगे तो जो आपका सीक्वेंस होगा ना, यहाँ पर तो है ही एक हमारा, क्योंकि हमने जो फर्स्ट फ्रेम वाला सेट किया हुआ है और लास्ट फ्रेम वाला एक ही जगह पर रख दिए, तो यहाँ पर सिर्फ एक इमेज ही जो है ना वो एक्सपोर्ट होगी। आपने यहाँ पर करंट फ्रेम सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ से आकर फ्रेम साइज जो यूट्यूब है उसका HD 1280x720p होता है, ठीक है, थंबनेल के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर आप ज़्यादा लेना चाहें तो मैं रिकमेंड नहीं करता, आप यही रेंडर करें, ठीक है, 720 वाला। उसके बाद नीचे आपने जाना है और यहाँ पर क्लिक, और किसी भी चीज़ को आपने जो है ना वो नहीं छेड़ना, नीचे जाना है एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है, और ये देखिए मैंने पहले भी इसको कर किया हुआ है, मैं यहाँ पर कोई भी देता हूँ ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल 01, और इसको सेव कर देना। तो ये देखें जी, ये हमारा थंबनेल आ गया है। तो आई होप के ना इस चीज़ की आपको समझ आ गई वो भी, बाकी आपने जो है ना एनिमल्स को जो है ना वो अपने हिसाब से हर वीडियो में, ठीक है, इस वीडियो में तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह खड़े करने हैं, लेकिन आपने देखना है यूट्यूब पर कैसा चल रहा है, यूट्यूब पर किस तरह की वीडियो बन रही है। अगर आपने किसी के जो वीडियो है वो वीडियो वो आइडिया कॉपी किया है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो चलती है ना वो एक दूसरे के वीडियोज़ के आइडियाज़ कॉपी करते हैं, जिस तरह के ये वाली वीडियो, ये भी आइडिया कॉपी किया हुआ, मैंने भी कॉपी किया था। आप जरूरी नहीं है कि आप खुद से ही जो है ना अपनी वीडियो का कोई आइडिया बनाना है, यूट्यूब पर सैकड़ों के हिसाब से चैनल हैं, आपने उनके चैनल को जाकर देखना, विजिट करना, आप जिस तरह जो भी वीडियो आपको लगता है कि मैं ये अच्छे से क्रिएट कर सकता हूँ, आपने वो वीडियो जो है ना बना लेनी है, जिस तरह का उन्होंने बनाया हुआ है थंबनेल आपने भी उस तरह का बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। जिस तरह ये हमारे पास ये हमारे पास चैनल है, ये देखें ये वाला भी पेंटर एनिमल है, ठीक है, तो ये वाला है। तो अब आपने अगर इस तरह की वीडियो बनानी है, ठीक है, तो आप फिर जो इसका थंबनेल भी इसी तरह का बनाएंगे, ठीक है। अब इस तरह की जो वीडियो है ये जो है ना वो आप इसमें कुछ प्रॉप्स वगैरह हैं वो ब्लेंडर में बनाएंगे, और बाकी में जो है ना वो एनिमेशन वगैरह इसी आइकॉन में होगा। अब ये देखें मैंने अरे इस तरह बनाई थी, ठीक है, तो उसका सर, जो लगता लगता है आपका नेट बहुत स्लो है। स्क्रीन एक ही जगह पे खड़ी हुई है काफी टाइम से। नहीं जो है ना वो मेरी तरफ, तो क्योंकि मेरा मोबाइल भी कनेक्टेड है इसके साथ, तो स्क्रीन मेरी तरफ तो सही है। अभी ये देखिएगा अभी चलती है या नहीं। हाँ नहीं, जी चल रही, अभी तो अभी वही थंबनेल की जगह पे खड़ा हुआ है। नहीं, आपकी तरफ स्लो होगा, मेरी तरफ चल रहा है। मैं देखता हूँ, दोबारा कनेक्ट करता हूँ। हाँ जी दोबारा आ जाए आप। अच्छा मैं बात कर रहा था कि ये वाली जो वीडियो है ना वो मैंने बनाई थी, तो क्योंकि ये वीडियो का आइडिया मैंने किसी और चैनल से लिया था, तो अब मुझे चाहिए कि क्योंकि ये प्रूवन है कि इस पर व्यूज आते हैं, ठीक है, अगर आप खुद से कोई आइडिया बनाएंगे हो सकता है उस पर व्यूज आए या ना आए, ठीक है, हो सकता है कि वो चल जाए, ये भी प्रोबेबिलिटी है कि वो ना चले, ठीक है। तो आपने जो भी आइडिया किसी का कॉपी करना वीडियो का, फिर आपने उसके थंबनेल का आइडिया भी कॉपी करना है, ठीक है। अब ये वाली वीडियो है उसका थंबनेल ये है, तो मैं आप लोगों को बता दिखाता हूँ, यहाँ पर मेरे पास थंबनेल्स हैं, तो मैंने भी उसी तरह की वीडियो बनाई थी। स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। आपकी तरफ जो है ना नेट नहीं सही मेरे ख्याल से। अब हो रही है।
हाँ जी। अच्छा मैं ये आपको बताने लगा था कि मैंने भी उसी तरह की वीडियो बनाई थी, तो मैंने जो है ना उसी तरह का ये देख, अब ये देखें, मैंने उनकी वीडियो को जो है ना आइडिया कॉपी किया, तो फिर मैंने उसी तरह का जो है ना वो थंबनेल भी बनाया। ठीक है, आपने जिस तरह की वीडियो बनानी है उसका जो थंबनेल वगैरह भी उसी तरह का बनाना है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, ये मुफ्त बहुत सारे आइडियाज आपको मिल जाएंगे। मैं आपको जो ना और भी कुछ चैनल दे दूंगा, बेशुमार उन पर उन्होंने वीडियो 100 जो है ना, किसी ने 100 वीडियो अपलोड की है, किसी ने कितनी की है, जो है ना वो मुख्तलिफ जो है ना वो वीडियोज हैं, तो आप उनसे भी आइडिया ले सकते हैं। उनकी आइडियाज जो पॉपुलर हैं, जिस तरह के ये आपने जाना है, यहाँ पर पॉपुलर पर क्लिक करना है, यहाँ पर आप देख जो वीडियोज है ना, ये इस तरह की वीडियो चलती हैं। ठीक है, तो आपने, आपको लगता है कि यार मैं इस तरह की वीडियो बना सकता हूँ, आप इस तरह की बना लें, आपको लगता है कि ये मैं इस तरह की बनाता हूँ, इस तरह की बना लें, इस तरह की बनाना चाह रहे हैं तो आप इस तरह की बना लें। जो पॉपुलर वीडियोज है ना, आपने कोशिश करनी या उस उन वीडियोस को ही बना टारगेट करने की, यानी कि उसी तरह की वीडियोस बनाने की। अगर आप पॉपुलर वीडियोस को चूज करेंगे तो आपके चांसेस जो है ना वीडियोस चलने के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वैसे तो इस तरह की वीडियोस सभी पर व्यूज आते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप पॉपुलर की जो वीडियोस हैं, जो चैनल्स पहले से चल रहे हैं, उनके पॉपुलर वीडियोस को कॉपी करेंगे, तो आपके चांसेस हैं कि आपका जो वीडियो है ना वो बहुत जल्द वायरल होगी और उस पर व्यूज भी काफी ज्यादा आएंगे। ठीक है, अगर आप, अब कोई बंदा इस तरह की वीडियो बनाए तो मेरा ख्याल है कि कुछ ही दिनों में ये वाली वीडियो जो है ना वो इस तरह की अगर बनाए तो उसमें मिलियंस में व्यूज आ सकते हैं, अगर वो सही से चीज क्रिएट करता है। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको जो है ना वो आइडिया दे दिया है कि आपने किस तरह थंबनेल्स वगैरह क्रिएट करने हैं। ठीक है, जो भी वीडियो आपने, जिस वीडियो का आपने आइडिया कॉपी किया, आपने उसका थंबनेल को भी कॉपी करने की कोशिश करनी है। ठीक है जी, अच्छा ये तो हो गया जी हमारा थंबनेल का। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, नया एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लेते हैं जी, यहाँ पर हम लेंगे टैरन, ये वाले ले लेते हैं, यहाँ पर स्काई ऐड कर लेते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने जाना है यहाँ पर, जाकर लिखना है अर्थ स्कल्प्ट। ठीक है, अर्थ ये स्कल्प्ट किसमें, आपने गूगल ये पर को जाना है गूगल पे जाना है? जी, आपने गूगल पर जाना है और वहां पर जाकर लिखना है अर्थ स्कल्प्ट डाउनलोड। ठीक है, जो जी पहली वेबसाइट होगी वहां से जाकर आपने डाउनलोड कर लेना, ये फ्री वाला टूल है, इसका पेड वर्जन भी होता है लेकिन हमें नहीं चाहिए पेड वर्जन, हमारा फ्री से काम चल जाएगा। ठीक है, आपने इसको जी डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको जो है ना वो ओपन कर लेना है। अच्छा, इसमें आपने यहाँ से जाकर न्यू ले लेनी है, यहाँ से न्यू करना है, न्यू फाइल ले लेनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह का जो है ना वो इसका आ जाएगा इंटरफेस वगैरह। तो हमने करना क्या है, यहाँ से जो है ना वो हमने जो हमारा टैरन है उसकी जो हाइट्स वगैरह है वो बनानी है यहाँ पर। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आप वैसे बाकी टूल्स को भी एक्सप्लोर अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, और आपने करना क्या है, आपने जाना है इस टूल में, ये हाइट्स का टूल है, हाइट्स यहाँ पर जाना है,
ये देखिए इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर दो जो है ना ये हाइट्स है, अगर आप नीचे ले जाना चाहें यानी कि जो आप पौंड वगैरह बनाना चाहते हैं या इस तरह की कोई नदी वगैरह तो इससे बना सकते हैं, ठीक है। ये दो अहम जी है, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ से जो है आप अपना रेडियस कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए रेडियस ज़्यादा हो गया, ठीक है। यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं अपना रेडियस, ये जो सर्कल चल रहा है यहाँ से उसकी स्ट्रेंथ है कि वो कितना, अब ये देखिएगा स्ट्रेंथ का मैं आपको बता देता हूँ, वो कितना हार्ड होना चाहिए और या कितना यहाँ से उसकी सॉफ्ट होना है। ये देखिए सॉफ्ट, ये स्ट्रेंथ मैं कम कर रहा हूँ, ये देखिएगा ये इस तरह का बना रहा है। तो अब मैं इसकी स्ट्रेंथ से ज़्यादा कर रहा हूँ, तो ये देखिए कितनी जल्दी उसने बना दिया, ये चीज़ है स्ट्रेंथ वगैरह। कंट्रोल जी कर रहा हूँ मैं, तो कंट्रोल जी एक और बार कर देता हूँ, इसकी जो है ना वो स्ट्रेंथ कम कर देता हूँ। अच्छा अब आपने इसमें मूव वगैरह कैसे करना है, ठीक है। आपने जो ना आपका जो आल्ट है, आल्ट को दबा कर रखना है और अपना जो लेफ्ट क्लिक है उसको पकड़ कर ऐसे इसको इससे इस पर मूव कर लेना है, ठीक है। ऐसे अपने माउस को आगे पीछे राइट पर और लेफ्ट पर करना है, ठीक है। और अगर आप तो वैसे पैन करना चाहें तो आपने अपना आल्ट को दबा कर रखना है और आपका जो माउस व्हील है जो दरमियान में बटन होता है, ठीक है, माउस के इसको जी जी पकड़ कर उस पर क्लिक करके रखना है और ऐसे अपने माउस को राइट पर और लेफ्ट पर ले जाना है, ठीक है। तो ये आप पैन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब जी आपने इसमें जो है ना वो हाइट्स वगैरह क्रिएट करनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आपने इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से आपने ये जो है ना वो अपने हिसाब से रख लेनी है। मैंने आपको बता दी ये क्या चीज़ है, ये शॉर्टनेस है, वो कितना शॉर्ट होगा या कितना हार्ड होगा, ये नीचे वाला पर ये ये है सॉफ्टवेयर क्या, ये समझ में नहीं आई। सॉफ्टवेयर क्या है ये, इससे क्या होगा, है। इससे होगा क्या। मैं आप लोगों को जो है ना वो दिखाता हूँ, ठीक है। जी, ये इसका पहले थोड़ा समझ में आ गया, इसे होता क्या है, तो फिर ऐसा समझने में आसानी हो जाएगी हमारे। मैंने ना आप लोग वो बता दिया था लेकिन शायद आप लोगों ने आपका वो उस वक्त डिस्कनेक्ट हो गई हमारी जो मीटिंग है, ठीक है। जी, तो इस वजह से है ना ये आप लोगों को वो समझ नहीं आई इस चीज़ की। मैंने बताया था कि आप जो है ना अपनी टेरन की हाइट्स वगैरह ये देखें ना, अगर आप देखें तो आपको जो है ना वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगती ये हाइट्स वगैरह। आप चाहते हैं जी कि ना कोई और तरह की हाइट्स वगैरह इसमें क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो या तो फिर आप इसको फोटोशॉप में ले जाएं, लेकिन फोटोशॉप में भी आप उस तरह की हाइट्स नहीं बना सकते जिस तरह के ये बना सकते इसमें बना सकते हैं, क्योंकि ये बना ही इस चीज़ के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने यहाँ से आकर इसको ऐसे कर लेना है, ठीक है। तो ये करने के बाद अब आपने यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। ये टेक्सचर का है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है, डबल सॉरी यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर क्लिक कर देना है सेट, और यहाँ से कोई सा भी चूज कर लें ओपन, ठीक है। तो ये उसने ना एक टेक्सचर इसमें ऐड कर दिया, आपने अपने हिसाब से ना इससे बना लेनी है। मैं अभी आपको तो दिखाता हूँ, ये दरअसल हमारी जो है ना सॉफ्टनेस बहुत कम है, इस वजह से ये इस तरह क्रिएट कर रहा है। ये देखें ये अब बहुत स्मूथ सा बना रहा है, ये पहले बार उसने स्मूथ बनाया, हम दोबारा से बना लेते हैं इसको, नो ओके करते हैं, नई फाइल लेते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम पहले भी ऐड कर सकते हैं टेक्सचर, यहाँ पर क्लिक करेंगे टेक्सचर ऐड करेंगे, इस पर क्लिक करके सेट टेक्सचर करेंगे, टेक्सचर हमें ये वाला ऐड कर लेते हैं, ओपन करते हैं इसको, ये टेक्सचर ऐड हो गया, ठीक है। अब जो है ना वो हम यहाँ पर इस टूल में जाएंगे, हाइट्स के टूल में, और यहाँ से इसकी आपकी जो है ना शॉर्टनेस यहाँ पर होनी चाहिए अगर आप स्मूथ सा बनाना चाहते हैं ये हाइट्स वगैरह, ठीक है।
है, ये देखिए, तो इस तरह ना आप हाइट्स बना सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि इसमें डाउन करना चाहें इसको, ये देखिए, अगर आप करना चाहते हैं, ये बाकी भी आप चीज़ें जो ना टूल वगैरह इसको एक्सप्लोर अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, ये आपकी जो है ना हाइट्स बन गई है, ठीक है। आपने अपने सीन के हिसाब से बनाने की कोशिश कर लेनी है, अगर आपको ये वाली नहीं सही लग रही, आपने जो ना वो किसी और तरीके से बनाने की बना लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो है ना इसको यहाँ पर जाना है, इसको सेव कर लेना है पहले, ताकि अगर आपका दोबारा हो तो मैं कोई सा भी नाम दे लें, ट्यूटोरियल 0 लें। अच्छा जी, उसके बाद आपने सेव कर लेना है, उसके बाद आपने जाना है एक्सपोर्ट में, और यहाँ पर आपने हाइट मैप जो है ना वो एक्सपोर्ट कर लेना है। यहाँ से आपने को उसकी लोकेशन सिलेक्ट कर लेनी है, कहाँ पर आपको करना है। जैसे कि मैं सिलेक्ट करता हूँ एक लॉन, यहाँ पर हमारी हो गई ट्यूटोरियल का कलर्स में ट्यूटोरियल का बनाया था कल फोल्डर में, पता नहीं अब है या नहीं, या ये ठीक सर है। क्लास में हम दो ही हैं ना, तो जी, हम दो ही हैं। सर मैं ये कह रहा कि बस ये 10-15 मिनट पूरे कर लो, 11 बजे तक बंद कर देना फिर। जी, अभी यही बताकर अब जो है ना वो उसको क्लोज कर देना है। अच्छा, इसको सेव कर लेना है, ठीक है। जी तो ये आपका जो है ना वो टेक्सचर सेव हो गया होगा, हाइट मैप, सॉरी टेक्सचर नहीं, हाइट मैप। ये ना ये जो होता है इसको हाइट मैप कहते हैं, ये देखे लिखा होगा। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर डबल क्लिक करना है और उस हाइट मैप को चूज कर लेना है। ये देखिए, मेरे पास पहले से मैंने बनाए हुए हैं, मैं यहाँ पर चूज कर रहा हूँ कलर में जाकर। आप नहीं सर, कहीं पर, स्क्रीन स्क्रीन बहुत स्लो चल रही है, बहुत स्लो चल रही है स्क्रीन। अच्छा, आपको ना इसका वो मिल जाएगा फिर, क्या कहते हैं जी आपको, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी। जी हाँ जी, तो उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर जी आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये देखें, जो हमने जो हाइट्स वगैरह थी ना बनाई, यहाँ पर ऐड हो चुकी है, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी इसलिए वो भी उतनी ही नज़र आ रही है यहाँ पर। तो अगर आप थोड़ा सा उनको बड़ा करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन वो आपका जो है ना वो साथ में ऊपर चला जाएगा। हाइट्स वैसे आप यहाँ से भी कंट्रोल जो है ना बढ़ा सकते हैं, इनको ऐसे बड़ा कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, ठीक है जी। आप उसके बाद दोबारा से आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे, ये दोबारा से हमें, हम इसको डेस्कटॉप पर कर लेते हैं, हाइट मैप हाइट 1 का नाम दे देते हैं इसको, 0 1, और सेव कर देते हैं। अच्छा, इसको दोबारा से हमारा, हम आइकॉन में आएंगे और यहाँ पर डेस्कटॉप पर हमने इसको सेव किया है हाइट मैप को, ये हमारा हाइट मैप है। अब ये देखिएगा, उसकी जो ना वो हाइट्स बढ़ गई है, ये देखें, ठीक है। तो इस तरह आपने जो ना इसकी, अगर आप डिफरेंट हाइट्स वगैरह बनाना चाह रहे हैं, इस अगर आप इस तरह की जो हम हमारे पास पहले थी हाइट्स वगैरह, यहाँ पर अगर आपने देखी हो बड़ी बड़ी, उस तरह की भी आप इसमें बना सकते हैं स्कल्पचर में, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया, अगर आप को इसकी हाइट्स वगैरह अच्छी नहीं लगती, आप सीन डिफरेंट थोड़ा सा बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से जाकर स्कल्पचर में भी इसके हाइट्स मैप वगैरह बना सकते हैं, ठीक है जी। तो आई होप कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी।